चैनल टू अ न्यू ब्लॉग। तो एकांशी की तबीयत बहुत ख़राब थी लास्ट 5 दिन से। तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, हाई ग्रेड फीवर था, फिर वॉमिटिंग हो रही थी, कफ भी था। तो फाइनली हम डॉक्टर के पास गए, हमको पता चला उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। तो फीवर आफ्टर 5 डेज अभी चला गया है, लेकिन उसका मतलब खांसी और कफ जो है वो अभी भी है, तो उसका इलाज अभी भी चल ही रहा है। तो इन दिनों मैं कुछ कर नहीं पाई वैसे खास, क्योंकि जब बच्चे रात में सोते नहीं हैं, खांसी होती है, वो सो नहीं पाते हैं, उसके वजह हम भी नहीं सो पाते। तो ऐसे ही हमारा दिन चल रहा था एक्चुअली। तो आज है संडे, तो सुबह सुबह नहाना हो गया, ब्रेकफास्ट में आज बहुत मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनाया। आज है हमारे ब्रेकफास्ट में पूड़ी और आलू दम, मुझे बहुत पसंद है पूड़ी और आलू दम ब्रेकफास्ट में। तो आज का ब्लॉग एक्चुअली पूरा दिन आप लोग सिर्फ देखेंगे खाना खाना खाना, क्योंकि इन कुछ दिनों जब एकांशी की तबीयत ख़राब थी हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब मैं तो किचन में जा भी नहीं रही थी। तो अभी संडे है, आज सब कुछ मतलब बैक टू नॉर्मल सा लग रहा है, तो आज हम सोच रहे हैं काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ही करते हैं खा पी के। तो आज हम घर पे ही हैं, उनको ऑफिस जाना पड़ा, थोड़ा काम था उनका, तो खाना पीना यही सब लेके ब्लॉग को रहेगा। तो देखते रहिए ब्लॉग को, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आज इतने दिनों बाद देखिए बहुत अच्छी धूप भी निकली है, तो सारे कपड़े सूखने के लिए दे दिया है, तो उनके सॉफ्ट टॉयज भी सूखने के लिए डाले हुए, क्योंकि उस दिन जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तो वो जनरली ये वाला यूज़ करती है वो बैठने के लिए कैब में, तो उसका उसने इस पर भी वॉमिट कर दिया था। सो सब धो के आज सूखने के लिए डाला हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी धूप आई हुई है। कल मेरी एक फ्रेंड का शादी भी था जो मैंने मिस कर दिया, मैं नहीं जा पाई क्योंकि हू इज़ नॉट वेल। तो मतलब मेरा बहुत मन था जाने का कि बैंगलोर में एक बंगाली शादी अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी था, बट कोई नहीं, चलिए तो शुरू करते हैं दिन को। अभी जाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कम 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 हियर, ओ यू आर कैरिंग योर डॉल विथ यू, कम दिस साइड, कम दिस साइड, वाओ कुहू एंड हर डॉल, कम लुक एट मी, स्टैंड ओवर देयर, स्टैंड ओवर देयर, यू वोंट बी एबल टू सी ना, यू हैव टू गो देयर, गो देयर, गो देयर। तो आ गई हूँ मैं किचन में। आज कुहू के स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट करवाने वाले वो लोग, उन लोगों ने इसलिए बोला था कि कुछ हार्ड टाइप का मतलब सैंडविच वगैरह कुछ देने के लिए। तो मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रेंच टोस्ट बना दूँ। तो मैंने ब्रेड को पहले हार्ट शेप में कट कर लिया, फिर ये एग को बीट करेंगे मिल्क, सॉल्ट थोड़ा सा और थोड़ा सा शुगर डाल के, फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके इसको फिर एग पे डिप करके ब्रेड को, उसके बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, तो फिर उसके बाद फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाएगा। तो यही मुझे एक सिंपल सा आइडिया लगा हार्ट शेप में, और मैं क्या बनाती हूँ, मुझे सुबह सुबह आइडिया नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ मैंने बनाया इसके लिए आज। तो आज एकांशी भी ब्रेकफास्ट में पूरी खा रही है। अब आटे का क्या बना रहे हो कुहू? स्नेक बनाओगे इससे? अच्छा, स्नेक कैसे आवाज़ करता है? नहीं, स्नेक वैसे आवाज़ करता है, स्नेक हिसेस, ऐसे करता है ना। खा लो खा लो, जल्दी जल्दी, फिनिश फिनिश। हमारा
आज का बाजार भी आ गया है। ये टाइगर प्रॉन्स बोलते हैं इसको, बहुत बड़े बड़े साइज का टाइगर प्रॉन्स मिला है उनको, तो बहुत फ्रेश भी है ये। अक्सर ना यहाँ पे इतने बड़े साइज का मिलता नहीं है, तो ये पास की दुकान से लेके आए हैं। तो टाइगर प्रॉन्स है, और ये एक तरह का फिश है जो मुझे बहुत पसंद है। कोलकाता में ये बहुत फेमस है, गरम गरम फ्राई खाने में दाल राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको आमूदी फिश बोलते हैं, ये आमूदी बिकॉज ऑफ द येलोइश कलर, ये हल्का हल्का कलर है ना, इसकी वजह से इसको आमूदी बोलते हैं। और ये फिश फ्राई बहुत अच्छा लगता है गरम राइस और दाल के साथ। তুমি বলো তোমার স্কুল কেমন ছিল? এসে দিব্যি চকলেট দিয়েছে, চকলেট খাচ্ছে। কু করে নাও, কু লাঞ্চ ফিনিশ করো, লাঞ্চ কুহো। সিট প্রপারলি, সিট প্রপারলি, সিট। তো আজ কাঞ্চিকে লাঞ্চ মে হ্যাঁ করেলা ফ্রাই আর ইয়ে ফিশ হ্যাঁ আর সাথ মে হ্যাঁ থোড়ে সে টমেটোজ হ্যাঁ না বেবি কু। চেঞ্জ করো, চেঞ্জ করো, চেঞ্জ করো। হ্যাঁ এবার তোলো, এবার তোলো, এবার তোলো, বাবার দিকে তাকাও। আসো, ধরে রাখো, ধরে রাখো, এইবার তোলো, এইবার তোলো, এইবার তোলো। দাঁড়াও, 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 বাবা তুলবে এবার, দাঁড়াও। ওরে ধরে রাখো উপরে, চেঞ্জ হচ্ছে না, ও করে না আসতে। এই দেখো, মেরে মেরে ঠিক করে দিলি তো এটাকে। आज डिनर में सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाउमीन बनाओ, ब्रोकली वगैरह भी है, मुझे ब्रोकली के साथ चाउमीन बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा चाउमीन बनाते हैं। और सुनंदा ऑलरेडी बना के लिए है चिली चिकन, तो चाउमीन के साथ चिली चिकन बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर से मैं लास्ट में क्या ऐड करती हूँ, थोड़ा सा अब जब प्लेट में सर्व करें तो थोड़ा सा काशुंदी दे दीजिए और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं कढ़ाई में ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूंगी, फिर काशुंदी खाने के वक्त है। एखुनी तो दिला। চলো, হ্যাঁ হ্যাঁ অর্ধেক কাজ, সত্যি কথা, ওখান থেকে এখানে বই আনাটাও বিশাল ব্যাপার। বাহ, এই দেখো আমরা পুরো তেলের দোকান লাগ দেবো এবার আমরা। वाओ, चाउमीन मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है, तो आप मुझे जैसा भी चाउमीन दे दो मैं तो आराम से खा लूँगी, बट उनको चाउमीन खिलाने के लिए ना साथ में एक साइड डिश होना बहुत ज़रूरी है। तो चाउमीन और चिली चिकन का कॉम्बो तो बहुत मस्त रहा और बना भी बहुत अच्छा था। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं, किचन विचन क्लीन भी मेरा हो गया, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।